राष्ट्रपति का संतान चाहे वो भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। गया का टीम है जिनके बीच में हम भी उपस्थित हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं इस पटना की धरती पे, जहां पे बोध गया से पैदल चल करके समान शिक्षा प्रणाली के मांग करने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए यहां आए हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ में भी आंदोलन छेड़ा है। इनका मांग में वो भी शामिल है कि 13 पॉइंट रोस्टर को रद्द किया जाए और पुनः 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल किया जाए। मैं इन साथियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने समान शिक्षा प्रणाली की बात करने पटना की धरती पर आए। इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, यही नारा के साथ आज यहाँ पे डाक बंगला चौराहा के बीच में हम लोग उपस्थित हैं, जहाँ पे बिहार के प्रशासन के द्वारा महिलाओं को रोका जा रहा है। ये जो पद यात्रा का जत्था है, इन्हें प्रसार किया जा रहा है, इन्हें राज्यपाल से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये बिहार सरकार की वर्तमान रूपरेखा है। ये यहाँ पे लगभग 100-150 किलोमीटर पैदल मार्च करने के बाद यहाँ भूखे प्यासे लोग समान शिक्षा प्रणाली की मांग करने आए हैं, लेकिन बिहार सरकार की प्रशासन यहाँ रोक रही है। यही हालात है वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार की।